सूद साहब, आप कोरोना पॉजिटिव हुए थे, क्या एक्सपीरियंस इस दौरान रहा है आपका और अब क्या स्थिति है आपकी? मुझे 18 तारीख को ये पता लगा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। वैक्सीन, मेरी तबीयत तो 10 तारीख से ही ख़राब थी, पर मुझे 18 तारीख को मैंने टेस्ट कराया और 20 को मुझे मालूम हुआ, और अब तो मैं ठीक हूँ और इससे निजात पा चुका हूँ। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है घर में जाकर देखभाल कर रही है, लोग जो है, जो आशा वर्कर है या डॉक्टर है, वो आपको घर में संपर्क कर पा रहे हैं, तो ये जो अनुभव रहा, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की जो है देखभाल घर में हो रही है, जो घर में रह रहे लोग, आप भी घर में रहे हैं? ये जो भी सरकार कह रही है, मुझे लगता है कि उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। मेरा जो ये एक्सपीरियंस रहा है एक महीने का, कोई व्यक्ति ये भी पूछने नहीं आया कि भाई आपको कितना बुखार है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। कोई डॉक्टर ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, सिर्फ एक बार जिस दिन बताने के लिए किया कि भाई आपको कोरोना है, उसके बाद कोई भी व्यक्ति नहीं आया। आशा वर्कर तो बेचारी क्या करेंगी, उनका तो वो तो दवाइयाँ छोड़ के फेंक के चली गई। बाकी मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि कोरोना के दौरान आदमी को मेंटल स्ट्रेस इतना है कि उसे यही नहीं पता है कि उसे करना क्या है। अगर उसको एसिडिटी हो रही तो उसे लग रहा है कि मुझे पता नहीं हार्ट अटैक ही आ गया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें है कि डॉक्टरों की से संपर्क न होने के कारण, या डॉक्टरों के डॉक्टर जो नहीं देख पा रहे हैं, या जो भी स्टाफ है वो नहीं देखने के कारण लोग यूट्यूब में इसको देख रहे हैं, और यूट्यूब में इतनी सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि आदमी 10 रेमेडीज खुद कर रहा है, उसको ये नहीं पता उसे कौन सी दवाई खानी है नहीं खानी है, उसको क्या खाना है नहीं खाना है। तो ये तो एक वर्स्ट एक्सपीरियंस है जिंदगी में, किसी को भी कोरोना ना हो। क्या स्थिति थी उस वक्त आपकी, और ऑक्सीजन तक की आपको ना बताए तो कैसे अरेंज किया आपने सारा? ये स्थिति ये थी कि एक दिन तो बिल्कुल हमें तो ये भी नहीं पता कि भाई इसमें ये मेरा सांस क्यों फूल रहा है, सिर दर्द क्यों हो रही है, और मतलब छाती में प्रेशर क्यों बन रहा है। तो फिर जाके एक हमारे मित्र डॉक्टर हैं, उनसे हमने कहा, पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऑक्सीमीटर लेके आओ। हमने ऑक्सीमीटर में उनके दिशा निर्देश को चेक किया तो मेरी ऑक्सीजन 70-75 के करीब आ रही थी, कभी 80 आ रही थी, और फिर सांस लेने में इतनी दिक्कत थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मतलब ऐसा लग रहा था कि पंख पखेरु उड़ गए। और उसके बाद कोई भी सुविधा मुझे तो नहीं लगता कि सरकार कहीं सोच भी रही है, और जो घरों में क्वारंटाइन है उनके बारे में कुछ भी देख रहे हैं लोग। ऑक्सीजन कैसे प्रबंध किया और कैसे? ऑक्सीजन का हमने अपनी मशीन खरीदी और फिर उसके बाद ऑक्सीजन लगाई। 8-9 दिन मुझे ऑक्सीजन लगी रही, और अब तो स्थिति काफी हो है, लेकिन इट्स ए वर्स्ट एक्सपीरियंस। जीवन में किसी को भी कोरोना जैसी बीमारी ना हो, और मुझे नहीं पता लगता कि ये इतना सारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका लाभ किसको मिल रहा है। नहीं तो आप तो क्या ऐसे थे कि आपने प्रबंध कर लिया मशीन का, ऑक्सीमीटर का, लेकिन जो गरीब लोग हैं अगर उनको इस तरह की दिक्कत हो तो फिर वो कहां जाएंगे? मैं तो इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे सकता। मुझे तो लगता है कि ये भगवान के भरोसे ही सब कुछ है। मेरा एक्सपीरियंस ये है, मुझे नहीं मालूम कि दूसरों का क्या है, पर मैंने जिन लोगों से भी बात की, मैं, मेरी वाइफ, मेरी भतीजी कोरोना पॉजिटिव थे, और कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर, 4 तारीख को मेरा क्वारंटाइन खत्म हो गया, उसके बाद भी किसी डॉक्टर ने या किसी भी ने संपर्क नहीं किया कि भाई उसके बाद भी आप एक बार चेक कर लें, कोई हिदायत दे दें कि भाई अभी एक महीना आपको ये करना है, क्या खाना है नहीं खाना, कोई कुछ नहीं। सिर्फ एक बार एक व्हाट्सएप आया कि आपको ये दवाइयां लेनी है, उसके सिवाय कोई लेना देना नहीं, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं, कोई कहीं से कोई सुविधा नहीं। दवाई कहां से आपने ली, कैसे आपको दवाई मिली, और क्या वो दवाइयां इफेक्ट की, क्या उनसे आप ठीक हुए? दवाइयां तो कुछ तो आशा वर्कर छोड़ गई थी, छोड़ भी किया गया, ऐसे फेंक के चली गई बाहर, चलो पर छोड़ गई, उनको भी अपना डर है क्योंकि उनके पास शायद पीपी किट नहीं होगी, सुविधाएं नहीं होंगी, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि मतलब ये जितना भी है मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैंने क्या इन दिनों में देखा, एक महीने में क्या चीजें देखी, कोई मतलब आपको यही नहीं पता कि हो क्या रहा है। क्या क्या दवाई खाई आपने? मैंने जो दवाइयां जो खाई, मैंने रिथ्रोमाइसिन ली, रिथ्रोमाइसिन थी, पैरासीटामोल, और उसके बाद विटामिन सी, जिंक, ये कुछ दवाइयां ली, और फिर
मुझे एक डॉक्टर साहब ने मुझे जब मेरे को ऑक्सीजन नहीं आ रही थी तो स्टेरॉइड की कुछ डोज दी थी, तो ये दवाइयां हमने ली। कितने दिन आप बिस्तर पे रहे और अब क्या? मैं ऑलमोस्ट वन मंथ मैं बिस्तर पे रहा। अब तो मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी भी वेट लॉस इतना हो गया, 8 किलो वेट लॉस हो गया, जिसके कारण क्या हो रहा है, चलने के बाद थोड़ा सांस फूल जा रहा है, थोड़ी पेन है बॉडी में, और गैस्ट्रिक की बड़ी समस्या हो गई है। क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग इसको इजीली ले रहे हैं और मास्क नहीं पहन रहे हैं या फिर जो एहतियात है उनको नहीं बता रहे हैं? मैं तो सबसे अपील करता हूँ कि भाई जो 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 प्रिकॉशंस लेनी है उन प्रिकॉशंस को जरूर लो। लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, एक बुखार है। भाई जो इस प्रोसेस से निकल रहा है उसी बंदे को पूछो कि कोरोना क्या है। ये सिर्फ एक, मैं ये कह सकता हूँ कि आदमी 10 बारी सोचता कि अब गया और अब गया। लोग सोच नहीं पा रहे इस चीज को, लोग मजाक ले रहे हैं कि जी ये बुखार है, टेस्ट ऐसे ही दे रहे हैं। भाई जो कोरोना के टेस्ट अगर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो भाई उसमें जो भी है सच्चाई है, प्रिकॉशंस लो। हो सकता है कि 5-6 दिन में किसी को मेरी तरह एक्यूट ना हो, लेकिन इसके इम्पैक्ट्स बहुत बुरे हैं। आपको क्या लगता है कहाँ से आपको ये वायरस जो है कैरी हुआ और फिर क्या सबसे पहले हुआ उसके बाद क्या? एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ कि दुर्भाग्य से मेरे एक मित्र का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी दोनों लेग्स टूट गई थी, तो मैं IGMC गया था। तो मैं 3 दिन वहां जो रहा, मुझे वहीं से, मुझे लगता है क्योंकि जब हम उनका CT स्कैन करने जा रहे थे उस समय भी वहां कोरोना पॉजिटिव एक आया हुआ था, तो शायद वहीं कहीं से मुझे ये कोरोना हुआ है ना, वहीं से मुझे कोरोना का जो इन्फेक्शन हुआ। और बाकी तो मैं, वैसे हम तो बहुत प्रिकॉशंस लेते थे, लेकिन मुझे वहीं पे है कि वहां पे क्योंकि बहुत कोरोना है। और मैं तो सबसे अभी अपील करता हूँ कि भाई अगर कोई आपका नॉन बीमार भी है तो कम से कम हॉस्पिटल जाओ, और जाओ भी तो भाई हिदायत रखो। ये मुंह से जरूरी नहीं कि मुंह से है, मुझे अपने में ऐसे लगता है कि मुझे मेरी आईज से हुआ, मुझे ऐसा डाउट होता है, क्योंकि सबसे पहले मुझे मेरी आईज में ना इन्फ्लेमेशन बहुत हुई, और उसके बाद मुझे सिर में बहुत दर्द हुई। तो क्योंकि हमने मास्क लगाया हुआ था, क्योंकि हमारा अपना प्रिकॉशंस पूरी थी, पर फिर भी क्योंकि वहां कोई आपको पता नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या महसूस करते हैं और क्या कहेंगे लोगों को? मैं तो ये कहता हूँ, महसूस तो मैं ये कर रहा हूँ कि आदमी का 1 महीने बेड पे रहना और उसके बाद आना, तो स्वस्थ तो धीरे धीरे ही ठीक होगा जो भी होगा। अभी हमें इसका भी नहीं पता कि हमारे पे क्या इम्पैक्ट है, उसके लिए भी मैं थोड़े दिन में 2-4 दिन के बाद किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाऊंगा, क्योंकि सरकारी तो मुझे लगता ही नहीं कि होने वाला है कुछ भी, तो मैं वहां जाऊंगा। और दूसरी बात है, मैं तो सभी लोगों को कहता हूँ इसे मजाक में मत लो। कोरोना ये नहीं है कि कोई सिंपल बुखार है कि आपने गोली खाई और ठीक हो गया, या आपको आज लगेगा कि आप ठीक हो गए। भाई इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, कृपया करके इसको सीरियसली लो। मास्क लगाओ, डिस्टेंसिंग बनाओ, जो आप कर सकते हो, जो हर जगह आपको पता कि क्या है, हर बात बोलने से नहीं है, सब चीजें रेडियो पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे सब बता रहे हैं, उसको मानो और इस चीज को सीरियसली लो। ये हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, उनका कहना है कि सिम्टम क्या थे, आपने शुरू में क्या सिम्टम आए, फिर क्या क्या होता रहा आपके साथ? मुझे सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि मेरी आईज में इन्फ्लेमेशन हुई, मुझे सिर दर्द हुआ, उसके बाद मुझे बुखार हुआ, 104 के करीब बुखार था। तो मैंने भी वही गलती की जो जनरली सब लोग करते हैं कि मुझे कोल्ड हो गया, शायद मैं रात को 2 बजे हॉस्पिटल से आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोल्ड हो गया, तो मैंने 1-2 दिन पहले कोल्ड सोचा, तो मैंने कोल्ड की दवाई खा ली, सिर दर्द हो रही थी, सिर दर्द की दवाई खा ली, जो एक जनरल फिनोमिना है इंडियंस का। लेकिन भाई अगर आपको सिर दर्द हो रही है, इन्फ्लेमेशन, आंख में दर्द हो रही है, आपको गला में खराश हो रही है, तो आप भाई कोरोना टेस्ट करा लो। बुखार कितने दिन में किया आपका? मेरा बुखार 5 डेज ऑलमोस्ट मुझे बुखार रहा, और आप जब मुझे बुखार 5 दिन रहा तो मुझे ऐसे मेरे मन में आया कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। उसके बाद मैंने 10 तारीख को मैंने कहा मुझे थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हुई, और फिर मैंने 16 तारीख को ये सोचा कि भाई मैं टेस्ट कराऊं, तो मैंने 18th को मैंने टेस्ट कराया। तो ऐसे हालातों में क्या क्या चीजें आपके घर में होनी चाहिए, किस तरह का पानी, किस तरह का खाना और क्या क्या चीजें आपके हिसाब से जरूरत है घर में यदि आपको इस तरह की दिक्कत आती है? देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि फ्रूट्स, एम्पल ऑफ फ्रूट्स होने चाहिए, मतलब सिट्रस फ्रूट्स हों खूब सारे। उसके बाद आपके पास काढ़े हों, जो बता रहे हैं जैसे भी आयुर्वेदा में बता रहे हैं, काढ़े हों, गर्म पानी पियो, ठीक है ना। और आपके पास ऑक्सीमीटर जरूर हो,
क्योंकि मुझे लगता है कि ऑक्सीमीटर बहुत जरूरी है मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, क्योंकि अदरवाइज हमें भी पता नहीं लगना था कि सांस क्यों चढ़ रहा है, सिर दर्द क्यों हो रही है। बेसिकली सिर दर्द तो मुझे ऑक्सीजन की कमी से हो रही थी, तो मुझे कई बार लग रहा था ऐसे तो नहीं मुझे गैस्ट्रिक हो गई, क्योंकि मैं तो बीपी, मुझे बीपी भी है तो मुझे ऐसा लग रहा था बीपी तो नहीं बढ़ गया। तो एक्चुअली हम पहले से थोड़े से प्रिपेयर हैं, क्योंकि हमें हमारी फैमिली बड़ी है तो हमारे घरों में एक ऑक्सीमीटर भी पहले था और बीपी की मशीन भी थी, ठीक है। तो उसका हमको थोड़ा सा ऐसे फायदा हो गया कि भाई हमने वो चेक कर लिया, और बड़ी फैमिली होने के कारण मेरी फैमिली वालों ने फिर मशीन भी खरीद ली। अच्छा, हम संपन्न भी थे तो थोड़ा खरीद भी ली। तो कुछ भी ना हो तो आप कोशिश करो कि भाई आप अपना ऑक्सीजन लेवल कम ना होने दो, ठंड मत लगने दो, गर्म रखो शरीर को, अपने गले को, अपने नाक को, किसी भी चीज से तेल डालो, कुछ भी डालो, भाई लुब्रिकेंट वो गीला रहे, लुब्रिकेट रहे, इस ढंग से रखो। और खाने में प्रोटीन्स ज्यादा लो। तो यही हमने तो यही किया। आपका कहने का मतलब कि आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी किसी के भरोसे नहीं रह सकते। और मुझे तो लगता है कि अब जो सिस्टम हमारा हो गया है, कि हमारे जो सिस्टम है ना उसके अंदर अब दया भाव जो चीजें थी ना, जो दया भाव हो गया, समर्पण था, वो चीजें खत्म हो गई। अगर आपको सर्वाइव करना है तो अब आपको खुद जानकार बनना होगा, हर चीज को समझना होगा, हर चीज को अपने पास लाना चाहिए। चाहे छोटी सी कम्युनिटी में ही लोग छोटा सा एक गैस सिलेंडर रख लें, कोई बिल्डिंग है तो उसमें एक गैस सिलेंडर रख लें, ऑक्सीमीटर रख लें, मतलब ताकि जरूरत पड़ने पे भी किसी के भी काम आ सके। कहाँ दौड़ेंगे आप? जी,